नसीरुद्दीन हुमायूं तशरीफ ला रहे हैं। बादत बामुलाजा होशियार शहंशाह हिंदुस्तान नसीरुद्दीन शाह। नहीं यार, मेहरबानी। नसीरुद्दीन हुमायूं तशरीफ ला रहे हैं। आज कैसे अव्वल है हुमायूं की जिंदगी, यरूज ज़वाल की दास्तान है। कौन कह सकता था कि काबुल और कंधार के वीरान जंगलों में भटकने वाला एक तैमूरज़ादा एक बार फिर दिल्ली के उपक पर सूरज बनकर तलू होगा। आलम बना खुदाए ज़ुल्जलाल को यही मंजूर था कि दिल्ली इलाही शिकस्त के बाद सरबराहे सल्तनत हो और शहंशाह बाबर के इल्म और फजल के वारिस बने। आलम बना क्या बात है शाही मस्करे? आलम पना बेपना वो आ रही है। चिल्ले इलाही अगर आप हुक्म करें तो इसे आखिरी गुसल दे दूं। आप भी कहती हैं मलका आलिया। आलम पना क्या हुआ? मैंने खुशा लगंडिया में आया हूं। इनाम इकराम से नवाजा जाए। ऐसा ही होगा मलका आलिया। ये सब तो ठीक है आलम बना, लेकिन निजाम सबका जो हम सबका मौसिन है उसे किस इनाम से नवाजा जाएगा? जो वो चाहेगा, इसलिए कि वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौसिन है। और मलका आलिया, हम आपके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें एक ऐसे मौसिन की याद दिलाई जिसने हमें नई जिंदगी दी। जिल्ले इलाही इजाजत हो तो इस खुशी के मुबारक मौके पर रक्स व सुरूद की महफिल सजाई जाए। दिल्ले इलाही एक मिनट मेरी गल सुन लो। दिल्ले इलाही एन तो मरवा दे। क्या बात है शाही मस्करे? खान चुकता खान आज जश्न अव्वल है, शाही मस्करे को खुली छुट्टी है। कहो क्या कहना चाहते हैं? आलम फना आज की पकाना है? जो तुम्हारा जी चाहता है। आलू च तमाल पा ली। वो किस लिए? सालन जरा मलंगाना हो जाए। इजाजत है। जो हुक्म आली जा जिले लाही मरवा। खान चुका खान तुम क्या कहने वाले थे? आलम पना बंदा अर्ज कर रहा था कि खुशी के इस मुबारक मौके पर रक्स व सुरूद की महफिल सजाई जाए। इजाजत दे दीजिए आलम पना, आज जश्न अव्वल है। इजाजत है। जो हुक्म आलम पना। रक्कासा को हाजिर किया जाए। रक्कासा को हाजिर किया जाए। वो दे तेरे इकबाल ने।
की गल है? मैं पता तू तीन च गाला कटन दे कहो क्या बात है? मनादी करा दी है जी, ऐसे तो टोकरा दे जरूर आंडा दे। दिले लाही कच्चन भाई आ गई है। बंद किया जाए। दिले लाही हूं तो मजा आगा। बंद किया जाए। मलका आलिया की फूफी सांस मार गई है। शाही मस्करे जी, रकासा को रुखसत कर दिया जाए। जो हुक्म आ लीजा। चल दे दे जा, क्यों ना तेई। अब क्या बात है? दिले लाही मशूक ने खूह मारे। क्या हुआ? अगर आप गुस्सा ना करें तो एक चीज मांग लूं आपसे। कहो क्या कहना चाहते हो? जिल्ले लाही ये दरमियान वाला तरबारी मुझे दे दे। इसको क्या करना है? मैंने इस पे नया तजर्बा करना है। किस किस्म का तजर्बा? इसको पुश्ता दे के इसकी पूछन निकालना चाहता हूँ, इसलिए ताकि आलम बना ये अपनी पूछन पे खड़ा होकर बात कर सके। दिल्ले लाही क्या हुआ? मैं जरा बाहर जाके सौ। आलम पना का इकबाल अब तक कायम रहे। आलीजा चौसा से चंद सिपाही मारिया भी की इजाजत चाहते हैं। चौसा से और लगड़ा से? शाही मस्करे, चौसा एक मकाम का नाम है, किसी आम का नाम नहीं। आलम पना इसका मतलब है चौसा चूसा नहीं जा सकते। इजाजत है, पेश किया जाए। जो हुक्म आ लीजा। फरियादी आदिल हो। सरकार खुदा के वास्ते मन्ने छोड़ दो, सरकार मन्ने छोड़ दो, खुदा के वास्ते मन्ने छोड़। रजो भी करना है, रजो तो दोनों तरफ से करना पड़ेगा। जिल्ले इलाही मैं जल्लादों के लिए पट्टे कर लूं। बादशाहों के बादशाह, इन्हें वो आदमी तो मिलाने जो तलने चाहिए था, ये बल्ले उठा के ले आए। सारे रास्ते खौफ के मारे मेरा पेट खराब हो गया। मैंने सोचा हमारे से क्या गलती होगी, या बादशाह ने हाजिर कर लिया। ले सरकार सलाम अलैकुम। हटने आदर भाई, तलवार क्यों निकालता? हम तो बातों से मर जाने वाले लोग हैं। जो देख बातों सुन सुन के हमारा क्या हाल हो गया। ले भाई सलाम अलैकुम। हटने आदर दोस्तों, यही काम है। दो तीन दफा तलवार निकाल ली और महीने के बाद पैसे लेके घर चले गए। नूनी तलवार निकाल निकाल के बादशाह को खुश कर दिया। हमारे करीब आओ। जातर ने बुला लिया। नहीं, हम तुम से मुखातिब है नहीं। मारे गए न जाओ सरकार, बादशाह सलामत। मैं गरीब आदमी हूँ सरकार, मेरा नाम न जा सकता है जी। सरकार मैंने तो आज तक अपने बेटे समसू को थप्पड़ नहीं मारा। सरकार मैंने इजाजत दे दे, मेरी नसीब पर मेरा राह देख रही होगी सरकार। क्या तुम हमें भूल गए हो? मैं तो जानता, मेरी वैसे ही दोस्ती बना लिया। निजाम को हमारे करीब लाया जाए। सरकार खुदा के वास्ते बन गया। सरकार मुझे माफ कर दो। रामा तो तन्ने जलाद समझ लिया था, तो भाई झूले वाला। निजाम हमारा नाम हुमायूं है। सरकार अपने बादशाह का नाम किसे याद ना हुए है? मल्ले अच्छी तरह याद है। हुमायूं 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 हुमायूं। हट जाएगा। सरकार जो तारी बेटी है। मगर निजाम तुम्हारा नाम तो हमारे सीने पर नक्श है। बखुदा उस दिन जो सलूक तुमने हमसे किया, हम उसे ता जिंदगी फरामोश नहीं कर सकते। सरकार मैंने तो सारी जिंदगी कुछ नहीं किया। अगर एक दिन की इजाजत दे तो मैं वो निजाम था आपके सामने हाजिर कर दूं जो तुमने चाहिए। जो निजाम हमें चाहिए वो हमारे पास खड़ा। ले मारे गए निजाम। सरकार मैं अपने घर बताओ, मेरी लाश को उरे से ले लेना। आए सब सुख का ब्याह बीच में रह गया, आए नसीब पर हो गई बेवा। निजाम
हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि हमारी बात को गौर से सुना जाए। सरकारी दरबार क्या खास गौर से सुनूंगा, चारों तरफ तलवारें निकली हुई हैं, हमारे कानों में तो कलमा शहादत गूंज रहा है। याद करो वो दिन जब शेषा सूर्य की फौजों ने हम पर यलगार की थी और हम बचते बचाते दरिया में कूद गए थे। दरिया भी उस दिन अपने पूरे जोबल पर था, बावजूद हमारी बहादुरी के उस वक्त हम दम तोड़ने वाले थे और निजाम चक्का उस वक्त तुम निजाम चक्का अगर हमें बचाकर अपनी झोंपड़ी में पना न देते तो बखुदा हम जिंदा न होते। सरकार मल्ले तो कुछ याद नहीं आ रहा, मल्ले तो अपना सर तन से जुदा होता नजर आ रहा। मैं तो यो सोच रहा हूँ सर के बगैर जाता हुआ मैं कितना बुरा लगूंगा। सरकार खुदा के वास्ते मल्ले माफ कर दे। सरकार सरकार जो सारे खड़े हैं वो दरमियान वाला बैठा हुआ निजाम ये कुदरत का काम है, मेरे और तुम्हारे बस की बात नहीं। सरकार बहरहाल अपने जहन पर जोर दो और याद करो कि हमने निशाने के तौर पर तुम्हें एक शाही अंगूठी